श्याम यार कब तक सिंगल रहेगा तू? बेब टेल हिम इट्स हाई टाइम नाउ, यू रियली नीड अ पार्टनर। बट व्हाई डू यू नीड अ पार्टनर? सिंगल रह के भी मतलब सब कुछ सही तो चल रहा है। अरे भाई क्या फायदे सिंगल रहने के, रिलेशनशिप में रहने के कितने फायदे यार। इफ आई एम हैविंग अ बैड डे आई कैन एटलीस्ट टॉक टू हर ना, एंड यू विल ऑलवेज हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन। हां यू नो पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर। और सबसे मेन चाहिए रहेगा तब क्या करेगा, तो सिंगल रह के भी मिल जाता है। अबे मॉरल सपोर्ट की बात कर रहा हूं अश्लील आदमी। देख श्याम जब सब लोग चले जाएंगे शी विल बी द ओनली वन विद यू। एग्जैक्टली, हम दोनों को देख, हम लोग एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं यार। मतलब वो थोड़ा कम सपोर्ट करती है बट ठीक है। एक्सक्यूज मी ध्रुव। हाँ तो सच ही तो बोल रहा हूँ। तो तुम्हें सच बोलना है अभी, और तुम जो इतने पॉसेसिव हो उसका क्या? मैं पॉसेसिव हूँ? उस दिन इंस्टाग्राम पे मैंने किसी और लड़की की फोटो लाइक कर दी, तुम उस बात पे झगड़ा कर रही हो और मैं पॉसेसिव? और तुम जो मेरा आईडी और पासवर्ड लेके बैठे हो उसका क्या? एक मिनट, पहले आवाज नीचे रख के बात करो। आवाज नीचे रख के तो बात कर रही हूँ। अरे यार हर जगह झगड़ा करती रहती है, समझता नहीं है? अरे तो बात करने का शौक भी नहीं है, ये तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए बात करना पड़ रहा है। फालतू में रिलेशनशिप में आया। बस ऑलमोस्ट इनकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन गाइस मैं कह रहा हूँ सिंगल ही रहना, कभी किसी की बातों में मत आना। नाउ नाउ आई विल शो यू द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग सिंगल। बहुत थक गए ना आज। चलो सब लोग सो जाते हैं, सुबह 8 बजे एनीवे जाना है, वापस काम करना है। हाँ हाँ सो रहे ना, ठीक है चलो गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो। लेट इट गो ना बेबी। नो बेबी लव यू, सॉरी यार। नो बेबी कहाँ, अभी तो बातें शुरू भी नहीं हुई है बेबी। सो जाओ ना, सुबह 8 बजे उठना है यार, क्या कर रहे हो? अरे बस 5-10 मिनट बात करके सो जाएंगे रे, तू सो जा, हम लोग का टेंशन मत। सोच हाँ ठीक है, सो जाना लेकिन टाइम पे सुबह उठना। लेट इट गो ना बेबी। क्या होता है? No, no, baby. Fresh. I'm fresh, I'm fresh. Baby, I love you, baby. Shona, love you, no, baby. तुमने तो खाना क्यों नहीं खाया बेबी? मैं वहाँ आके मारूंगा तुम्हें। अरे बच्चे लोग 3 बज गए, तुम लोग क्या कर रहे हो अभी तक? सो जाओ ना यार, सुबह जाना नहीं है काम पे? हाँ बस भाई बोल रहे थे, तो सो जाओ 2 मिनट और। भाई अच्छा हूँ मैं सिंगल ही हूँ, एटलीस्ट रात भर चैन से सोने तो मिलता है। बेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सिंगल, यू कैन स्लीप पीसफुली एट नाइट, नॉट लाइक दीज पीपल। हैशटैग सिंगल फॉर लाइफ। अरे शाम चलना यार, क्या लेट कर रहे हैं? फर्स्ट डे ट्रिप का सब वेट कर रहे, चल जल्दी। तुम लोग आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरे को सिर्फ 15 मिनट थे, मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा यार। बच्ची अभी 15 मिनट क्यों चाहिए देखो यार। मिल गया। अरे भाई स्किन केयर कर रहा हूँ ना। स्किन केयर में क्या करता है तू? बच्ची मेरे को एक नया शीट मास्क मिला है, लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक फेस शीट मास्क। एकदम नया जनरेशन शीट मास्क है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश हाइलुरोनिक एसिड। भाई तू सिंगल है, देखो क्या जरूरत है सब स्किन केयर विनकेयर क्या, चल। कैसा बात करता है रे, सिंगल हो या कमिटेड हो, हर एक को अपना स्किन का ध्यान रखना ही चाहिए ना, हर एक को अपनी स्किन हेल्दी रखनी चाहिए, जो मैं इससे रखता हूँ। अच्छा वैसे मैं भी शीट मास्क यूज करता हूँ, पर इसमें ऐसा क्या लगे? आई विल टेल यू व्हाई। इसका जो टेक्नोलॉजी है ना एकदम सुपीरियर है, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर शीट मास्क। यू नो व्हाई? यहाँ पे ड्राई शीट मास्क और सीरम दोनों अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, और जब भी तो उसको अप्लाई करने वाला ना, फोल्ड स्क्वीज ताकि दोनों मिक्स हो जाए, एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस। ये तो भारी सिस्टम है। चल ठीक है, तू ये निपटा फटाफट, हम लोग नीचे वेट करें जल्दी। 15 मिनट इसको चेहरे पे रखना पड़ेगा, जस्ट से 15 मिनट। ठीक है ठीक है, हम वेट करें जल्दी। और भाई एक शीट मास्क मेरे लिए भी ले लेना, काम आएगा मेरे को ट्रिप पे, जल्दी आ। अरे बच्ची लोग रेडी हो कि नहीं ट्रिप के लिए? सब सेट है ना? बच्ची जरा आजकल स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, देख रहा हूं। सवाल ना बच्ची, स्किन केयर क्यों चालू किया मैंने? कर रहा है ना ग्लो, मानता है कि नहीं? सेट है ना, सब डाल दे। चलो चलो। अरे भाई बैठना यार, कब से बैठ कर रहे बच्ची? यार मैं नहीं आ पाऊंगा यार। अच्छा मजाक कर दिया, ऐसा मजाक पंचों की वीडियो में मारना, चल बैठ बड़ा बड़। अरे सीन हो गया यार, ये गर्लफ्रेंड का फोन आया था यार। क्या मजाक कर रहा है ऐसा, क्या बैठना चुपचाप, क्या जल्दी कर रहा है? सीरियसली यार, उसके घर पे कोई फंक्शन है बड़ा, और मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वो जाना पड़ेगा। ऐसा क्या फंक्शन है? है अभी वो फंक्शन में बता नहीं सकता है। तो तुम बता ना, जो तू प्लान कैंसिल कर रहे थे सालों का, क्या है बोल? नहीं बता सकता यार, तुम लोग जाओ ना। अरे बोलना क्या प्लान है? उसके कुत्ते का बर्थडे।
मजनू साला, एक सेकंड, किसका बर्थडे बोला तू? उसके कुत्ते का। अच्छा तेरा बर्थडे यार, अरे भाई को विश्ते कि हैप्पी बर्थडे ब्रो, कब से प्लान किया अपन ने ये ट्रिप को? नहीं आ पाऊंगा, फालतू में झगड़ा हो जाएगा, देख वो मेरे से ज्यादा उसके कुत्ते को प्यार कर दिया, अगर मैं नहीं गया ना तो बैंड बजा देगी। क्या धतिंग करते हैं यार ये कमिटेड लोग, तू सिंगल है ना इसलिए तेरे को पता नहीं है, अभी तू रिलेशनशिप में होता तो पता चलता है, देख मैसेज आ रहे हैं कब आ रहा है कब आ रहा है, पेडिग्री लेके जाना पड़ेगा, तुम लोग जाओ यार, तुम लोग जाओ, मैं जाता हूं, बैठो बैठो अपन निकलते हैं, चलो अपन चलते हैं। और एक एडवांटेज सिंगल रहने का, ऐसा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन किया ना सीधा बैकपैक करो निकल जाओ ट्रिप पे, अब इन लोग को देखो। और हाँ सिंगल रहोगे ना तो शेर जैसा जियोगे, कुत्तों जैसा नहीं। जी बड़ा बड़े ग्रुप में ऑनलाइन निश्चित की क्या ले रहे थे? अरे तुम लोग करो, मैं बाद में ऑनलाइन आता हूँ। जी आना ऑनलाइन देख रहा है एक बार, मैं बाद में करता हूँ ना, तुम लोग करो मैं बाद में आऊंगा। अरे यार तेरे फोन से भी रिप्लाई करना बहुत मजा आएगा, देख अच्छी बोला ना बाद में आता हूँ, मैं ही तेरे फोन से रिप्लाई करता हूँ। गलती से भी व्हाट्सएप मत खोल देना, बच्ची लग जाएंगे। क्यों? गर्लफ्रेंड के यार कल से बहुत सारे मैसेज आए हुए, अवॉइड कर रहा हूँ, वो गलती से अगर मैंने देख लिया ना तो फिर रिप्लाई करना पड़े, और रिप्लाई कर दिया तो एक दो घंटा कॉन्वर्सेशन चलेगा, प्लीज मत खोलना व्हाट्सएप। अभी तो तेरा लास्ट सीन हाइड कर देना, पागल है क्या? लास्ट सीन छुपा दिया अगर तो अभी के अभी फोन आएगा और पूछेगी 12 सवाल। अरे किसी और ऐप पे मैसेज करना, वहां पे ऑनलाइन आता हूं ना मैं बिंदास, उधर टेंशन नहीं है। अच्छी मानसी का कॉल आया था, काट दिया। क्या फोन कट क्यों किया, साइलेंट कर देता ना। अच्छी वापस कॉल आ रहा, कट कर दूं? पागल है क्या, कट कर दूं? येड़ा साला, अभी देना पड़ेगा 17 जवाब, क्यों कट किया? हेलो, और एक रीजन सिंगल रहने का, नीडर, अरे फियरलेस, कुछ टेंशन ही नहीं है, देखो कैसे पैर थरथर कांप रहे हैं इसके, इसको जवाब दो उसको जवाब दो, कुछ टेंशन नहीं है, अपना सिंगल लाइफ का मस्त है, अपन दोनों सिंगल रहो, अपन भी सिंगल। अरे ध्रुव अपना गोवा के कुछ मतलब है क्या, अपन हरिद्वार ही चले जाते ना, साला कितने मजे कर रहा है यार, अगली बार ना भाई गोवा आना है ना तो ब्रेकअप करके आया कर यार, क्या कुछ मजे ही नहीं कर पा रहे। अभी एक लड़की से बात कर रहा था, अभी दूसरी लड़की से बात कर रहा है, कितना अच्छा है ना इसका, मतलब लाइफ में कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकता है ये। पर एक अपन है साला, जिंदगी भर के लिए वो घिसा पीटा दाल चावल खाओ, आया थे कभी पटेली मारेगा। और बच्ची लोग गोवा में मजा आ रहा है कि नहीं? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। घंटा मजा आ रहा है, मजे तो सिर्फ तू कर रहा है। बच्ची लोग एक बात बताओ, मेरी दोनों भाभियां किधर बैठी है? विरार में, राइट? तुम लोग कहाँ बैठे हो? गोवा में, राइट? अरे तो भाभी को बोलेगा कौन? कोई नहीं, अपन तीनों यहीं पे तो है, करो ना तुम लोग भी मजे यार। अरे करो मजे, और मैं भी देख के आता हूँ जरा, एक दो और नंबर लेके आता हूँ। क्या अच्छी बात, तो मेरा मन बोल के गया है, जन्नत आए हाय, क्या लड़की। बच्ची इसका फोन कैसे आ रहा है, इसको कैसे मालूम पड़ा? बच्ची मेरे को लग रहा है ड्रोन भी छोड़े ला इसने नजर रखने के लिए। ए ड्रोन नहीं, आ देखो देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखो, इसको देख कैसे गोवा में आके लड़की ताड़ रहे, बोला था इनको अकेले मत आने दो गोवा में, साला हरामी कैसा, इनका सांप ही है तो अपने को भड़का के साला अपनी बजा रहा है। तुम लोग सुनते नहीं हो, रुक। और एक फायदा सिंगल रहने का, दाल चावल के अलावा और भी बहुत सारी मल्टी क्यूजिन ट्राई कर सकते हो, ऐसे ही सिंगल रहो खुश रहो, हैशटैग सिंगल फॉर लाइफ, सिंगल आर्मी, कमेंट्स में अटेंडेंस लगाओ। Hey guys, hope you enjoyed this video. हाँ मजा आया होगा तुमको, इसको भी बहुत मजा आ रहा है, वो लोग को बहुत मजा आया, मेरे को भी बहुत मजा आया, बट इसको मजा नहीं आया वीडियो में। क्या तो भाई के लिए, भाई की जो बलि चढ़ाई ना मैंने वीडियो में, खाली भाई के लिए वीडियो को दबा के लाइक करना बिकॉज आपको मजा आया ना, कॉमेंट करना कि आप सिंगल हो इस जैसा कमिटेड और सिंगल होने के मजे आपको आ रहे कि नहीं, हैशटैग सिंगल आर्मी नीचे कॉमेंट करो, एंड शेयर करना हर एक सिंगल वालों के साथ और हर एक कमिटेड वालों के साथ भी, ताकि लोग समझे कि फायदे क्या है सिंगल के, शेयर करो। क्या है फायदे? नहीं है कि नहीं है ना? है तो सही, पर कमिटेड की फायदे भी है, अगले बार वैसा वीडियो बनाएंगे, अगली बार फायदा बनाएगी, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग कमिटेड है ना। ऑल्सो गाइज, ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन, जैसे भाई अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, वी शुड ऑल्सो यूज द प्रोडक्ट लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक शीट मास्क। अब भाई बताएगा इसके फायदे क्या क्या, यूज किया ना बता। आधे फायदे बता दिए, और आधे फायदे ये है कि जो ड्राई शीट मास है, इट्स मेड अप ऑफ एल्गी, सो इट अब्सॉर्ब्स 20 टाइम्स द वेट ऑफ इट्स वाटर, इसलिए जब भी आप उसको निकालते हो तो वो ड्रिप नहीं करता। ऑल्सो इट्स वेरी लाइट, इजिली ब्रेदेबल, और खाली हफ्ते में 2-3 बार यूज करोगे ना, उसके बाद जो ग्लो देखोगे ना आप, एक नंबर। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, बाय फ्रॉम द लिंक्स दैट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखो नीचे है ना 3-4 लिंक। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो यार, 2 मिलियन होने वाले, क्या कर रहे हो बच्ची लोग, फटाफट 2 मिलियन करो, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
बची गैंग 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 बची गैंग।